नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर है, जहां मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगमबाड़ी मठ पहुंचे, जहां पर आयोजित श्री जगत गुरु विशेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि देश में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है, साथ ही भारत की योग परंपरा को दुनिया ने अपनाया है और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त देश बना है। मठ ने ये नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं। बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहां पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगमबाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं हम सब का अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पटाभिषेक का यहां पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी। खबर बिजनौर से है, जहां ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर दो दिवसीय दौरे पर है, ताकि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया जा सके। तो वहीं ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बदहाली पर आंसू बहा रहा था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल चुनिंदा जिलों में ऊर्जा और पहुंच पाती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऊर्जा की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है। तो वहीं सोमेंद्र तोमर इस दौरान पार्टी द्वारा की गई विकास कार्यों को भी एक एक करके बताते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है और विकास के साथ साथ हम लोग संस्कृति की भी बात करें तो संस्कृति के पथ पर भी अपना उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक बीमारू राज्य के रूप में लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य, ये ठीक नहीं हो सकता। आज देश के अंदर 44 स्थान ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश अपना स्थान प्राप्त। खबर चंदौली से है, जहां केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी विद्यापक, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत, नगर पालिका चेयरमैन और जिलाधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य मिलकर करें और इसका लाभ जनता को मिले और इस बैठक से और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। $1 trillion की इकोनॉमी, बिजनेस हर मोर्चे पर देश का सबसे अग्रणी राज्य हो, स्मार्ट सिटी में अग्रणी राज्य हो, अभी बहुत बड़े पैमाने फ्यूचर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। तो ये दिन रात, और इस मामले में हम सबका सौभाग्य है कि इतना यूपी सीएम केशव मौर्य और आदित्य हमारा बड़ी पार्टी वाली सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 मई 2022 को जनपद में संभावित दौरा है, जिसके आगमन के तहत जिलाधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर और रामाभार स्पूत के पास बने हेलीपैड और रास्तों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट और आसपास साफ सफाई और सड़क को ठीक करवाने हेतु निर्देश भी दिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2841 नए केस मिले हैं, जबकि कुल 9 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार को दर्ज किए गए केस कल के मुकाबले 0.5% ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 4,41,16,254 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते देश में 5,24,190 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 18,604 एक्टिव केस हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है, और एक और जहां गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और पुलिस वीडियो बनाने वालों पर भारी जुर्माना लगाकर सबक सिखा रही है। तो वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक दरोगा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दरोगा पर भी 14,000 का चालान कर दिया। बता दें कि गाजियाबाद के कोर्ट परिसर स्थित चौकी पर तैनात दरोगा का बिना हेलमेट नियमों का उल्लंघन करते हुए बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो उधर एसपी ट्रैफिक ने लोगों से ट्रैफिक नियमों को पालन करने के दिशा निर्देश दिए। दो पुलिसकर्मी एक बाइक पे जा रहे थे, निरीक्षक थे, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, इस पर उनके चलान की गई है 14,000 की, और भी उनके कई पेपर जो नहीं कम्प्लीट थे, कुल मिलाकर उनके 14,000 का चलान किया गया है। मेरा संदेश है कि जो कानून सबके लिए है, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी सबको है, और सबसे इसमें विशेष रूप से पुलिस के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमको इसको इन्फोर्स कराना है, तो हमको दूसरे का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां बढ़ते अपराध को देखते हुए जिला पुलिस पुराने वाहनों को लेकर एक अभियान चला रही है, जिसमें पुराने वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पुराना वाहन खरीदने से पहले अच्छी तरह पड़ताल कर ले कि वो वाहन चोरी का ना हो, ना ही उसे किसी अवैधानिक तरीके से खरीदा या बेचा जा रहा हो। गौरतलब है कि लोग भी रास्ते वाहन के चलते बिना पड़ताल के वाहन खरीद लेते हैं, लेकिन जब पुलिस चोरी के वाहन को ट्रेस करती है तब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए वाहन बेचने वाले से पर्ची बनवा ले, जिसमें वाहन बेचने वाले की डिटेल दर्ज हो, और यदि संभव हो सके तो RTO से भी पड़ताल कर ले, जिससे आगे किसी भी परेशानी से बचा जा सके। देखिए, अक्सर ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, स्पेशली टू व्हीलर, उसकी पूरी वो चेन नहीं देखते हैं कहाँ से आई है, उसको खरीद लेते हैं और ना ही अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराते हैं, ना ही उनके पूरे कागज होते हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि जो भी वाहन चोर हैं, गाड़ियाँ चोरी करते हैं, और इस तरीके से भूले भाए लोगों को गाँव वगैरह में सस्ते दामों पर एक लालच दे के वो गाड़ियाँ बेच देते हैं, और जब कभी पुलिस के द्वारा गाड़ी ट्रेस होती है तो वो व्यक्ति जिसने वाहन खरीदा है वो परेशान होता है। तो इसके संबंध में एक निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो जिससे भी खरीदें उसको उससे एक बिक्री पर्ची टाइप में एक रसीद ले लें, ताकि अगर कभी इस तरह की कोई बात सामने आती है वाहन चोरी का है तो जिस व्यक्ति ने बेचा है। खबर बलिया से है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बलिया के मनियर नगर पंचायत को बिंदी उद्योग के तहत चुना गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिंदी उद्योग मनियर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मासूम बच्चों से बिंदी उद्योग में काम करते मिले, जहां एक तरफ सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगा रही है, वहीं बच्चों से बिंदी के पैकेटिंग करवाई जा रही है। ऐसे में क्या योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, या ऐसे ही मासूम बच्चों से योगी सरकार में मासूम बच्चों से काम करवाया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद में बलिया जनपद को बिंदी के लिए चयन किया था। चयन के संदर्भ में मैंने DM साहब जो पुराने थे उनको अवगत कराया था कि बिंदी जो यहाँ बनती है उसमें लगभग 25,000 से 50,000 महिलाएं रोजगार रत है, उनको रोजगार मिलता है, और ये बहुत पुराना काम है। देखिए, जनपद बलिया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसमें बिंदी है जो माथे में महिलाएं लगाती हैं, और ये लगभग 40-50 गांव हैं मनियर कस्बे के आसपास के, जहां पर लोग इसको गृह उद्योग के रूप में करते हैं।
और इसमें बेसिकली महिलाएं जो हैं वो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि इनका। खबर अलीगढ़ से है जहां नगर निगम से मांगी गई आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट ऐतिहासिक मस्जिदों को लेकर नगर निगम में आरटीआई पिछले वर्ष डाली गई थी। ये मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है। इस मस्जिद का मालिकाना हक भी किसी का नहीं दर्शाया गया है, जिसको लेकर पंडित केशव देव शर्मा ने कहा कि इन मस्जिद को लेकर डीएम और अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद को लेकर मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा। आईटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है, तो जो चीज अवैध है वो अवैध है। खबर हमीरपुर से है जहां एक बार फिर सड़क हादसे में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और 14 मजदूर घायल हो गए। बता दें कि बांदा से शादी समारोह में खाना बनाने वाले मजदूर लोडर से वापस जा रहे थे, तभी लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें बैठी दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 14 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों के इलाज करवाने में लग गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा से कुछ लोग पिकअप गाड़ी में आ रहे थे, तो जो 16 यात्री उसमें सवार थे और किडनी जो कला है पुल उसके पास ओवर स्पीडिंग के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और सड़क से नीचे खाई में पलट गई। नीचे गिरने के साथ जैसे सूचना प्राप्त हुई पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर दो महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी जिनका पंचनामा। खबर गोरखपुर से है जहां एथलीट की दुनिया का उभरता सितारा जिले के चौरी चौरा क्षेत्र के अहिरौली निवासी हरकेश मौर्य गांव के पगडंडियों से दौड़ते दौड़ते अमेरिका पहुंचा कि देश के लिए मेडल लेकर आएगा, लेकिन उसका ये सपना अधूरा रह गया। उसे एक साजिश के तहत जेल भेज दिया गया, जहां 3 महीने से अमेरिका के जेल में बंद है। तो वहीं हरकेश की रिहाई के लिए उसके परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। हरकेश के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को अमेरिका में झूठे केस में फंसाया गया है। हरकेश के पिता ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार उनके बेटे की रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसलिए कि हमारा लड़का जो है इंटरनेशनल धावक हरकेश मौर्या है और वह अमेरिका में जो है वह साजिश के तहत जो है फंसा दिया गया है, और इसीलिए जो है हम जब उसकी जानकारी हमको हुई तो हम जो है तमाम लोगों के पास जो है वो किए, रजिस्ट्री भी किए, स्पीड पोस्ट और कोटला भी कर डाले, लेकिन कोई हमको जो है कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिली और इसीलिए जो है इंतजार करते रहे। और लड़के को भी ये अंदाज था कि मतलब हम छूट जाएंगे जब हम कोई केस नहीं किए हैं, तो इसीलिए जो है इंतजार करते रहे। जब नहीं हो पाया तो हम आज जो है। खबर श्रावस्ती से है जहां कोतवाली भिनका क्षेत्र के भोजपुर गांव के पास एक बाइक सवार और टेम्पो में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भिनका पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। खबर बिजनौर से है जहां बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भनेड़ा और मोचीपुर रोड पर नहर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल अवस्था में CHC में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवर को ट्रक के साथ हिरासत में ले लिया गया है। दंपत्ति की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां लड़के वाले लड़की के लिए हार नहीं ला पाए तो लड़की वालों ने बारात
वापस कर दी। जी हाँ, हमेशा ये देखा गया है कि लड़के वाले दहेज के लिए लड़के के घर बारात नहीं ले जाते या बिना शादी के ही बारात वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। ढकिया बुजुर्ग निवासी अनिल कुमार की बारात नगरा थाना नीम गांव के लिए गई थी। रात भर सारी रीति रिवाज हुए पर हार न लाने के कारण दुल्हन के ही दूल्हे को घर वापस जाना पड़ा। उसमें ये हुआ था कि मतलब तिलक वही दिन परसों हुआ था, उसके बाद में बारात गई थी, तो हार की मांग उसमें शादी होने से पहले कोई हार नहीं कहा कि हार हमको चाहिए। शादी जब वहाँ बारात गई, सामान सात चीज़ों का मांग रहा था, तो सात चीज़ हम लेकर गया। अब उसमें देखा गया सामान तो थोड़ा झाला थोड़ा हल्के लग रहे थे, तो हमने कहा झाला बलदवा देंगे, वजन लेवा देंगे। तब वो बोला था कि मतलब अब झाला बलदवा दोगे और उसके बाद में हार लड़की पहनने की मांग रही है, मतलब हार पहनने का शौक़ है, तो हमने कहा हार भी ला देंगे। तो उसमें बाद में बोला था लड़की के पापा कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अगर वो मतलब ये बोला था, अगर हमने कह देता कि शादी मैं नहीं करूँगी तो लड़की वाले मुझ पर मुकदमा कर देते थे ना, तो हमने मतलब अब वह ना ही कर देते मतलब, तो हम पर अब वह ना ही क्यों कर रहे हैं, अगर हमने ना ही करते तो हम पर मुकदमा कर देते वो, अब वो काहे ना ही कर रहे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।